हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। न्यूज़ग्राम में इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। पूर्वी लद्दाख के देपसांग पठार में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच बैठक चल रही है। ये बैठक दौलत बेग ओल्डी से सटे चीन के इलाके में हो रही है और पिछले 3 महीने से देपसांग पठार और दोनों देशों की सेना आमने सामने है। वहां पर दोनों तरफ से हजारों सैनिकों और भारी हथियारों का जमावड़ा किया गया है। आपको यह बता दें कि ये डी एक्सकलेशन को लेकर दोनों देशों के बीच पहली मीटिंग है, यानी सेना को पूरी तरीके से हटाने को लेकर बातचीत हो रही है। अभी तक दोनों देशों के कमांडर्स के बीच डिसएंगेजमेंट पर बातचीत हो रही थी, मतलब फेस ऑफ खत्म करने की बात हो रही थी। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़े हैं इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ये जो बैठक हो रही है, कुछ और भी वहां से पता चल पा रहा है, कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? जी अखिलेश, जो जानकारी मिल पा रही है कि ये जो बैठक हो रही है अखिलेश, ये दरअसल जो देपसांग प्लेन्स जो डीपीओ का इलाका है, जो काराकोरम पास के पास का जो इलाका है पूर्वी लद्दाख का, जी वहां पर बड़ी तादाद में दोनों देशों की सेनाओं का जो जमावड़ा लगा हुआ है, यानी कि बड़ी तादाद में सैनिक है, क्योंकि देपसांग प्लेन मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में दोनों तरफ के ही जो सैनिक हैं, टैंक हैं, तोप है, हैवी मशीनरी, वो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में तैनात कर रखी है। उसी को कम करने के लिए, यानी कि ये जो जमावड़ा है इसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, उसी के लिए ये आज मीटिंग चल रही है। और ये जो पहली जो 5 मीटिंग हुई है कोर कमांडर्स की, उसके नीचे वाली लेवल की मीटिंग है, यानी कि मेजर जनरल लेवल की मीटिंग है जो अभी चल रही है डीबीओ में। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें नीरज राजपूत, जैसे ही वहां से कुछ अहम जानकारी आएगी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।